खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। मैं खड़ी हूँ अभी चित्रकूट जिले के करबी रेलवे स्टेशन में। यहाँ के व्यापारियों की मांग है कि कानपुर के लिए एक ट्रेन और होनी चाहिए, जो सुबह के टाइम चित्रकूट से चले और वहाँ से वापसी में कानपुर से शाम के टाइम चले। इससे व्यापारियों को आने जाने में आसानी होगी, वो अपना माल आसानी से ला सकेंगे। अभी तक जो ट्रेनें चल रही हैं उनकी टाइमिंग व्यापारियों के हिसाब से ठीक ठाक नहीं है। वो व्यापारियों का कहना है कि जो खजुराहो और इंदौर चल रही है एक्सप्रेस गाड़ी, वो चित्रकूट के लिए भी आनी चाहिए, और जो दुर्ग है वो डेली होनी चाहिए, जो सप्ताह में 2 दिन 3 दिन चलती है तो उसको रोज़ हो जानी चाहिए, जिससे व्यापारियों का और रोज़ जो इतने यात्री यहाँ आते जाते हैं, टूरिस्ट इलाका है, उनको भी सुविधा हो सके। हम लोगों की यह मांग लगभग 7 से 8 महीने पहले की है। एक मांग अभी और भी किया है, केंद्रीय मंत्री माननीय पीयूष गोयल साहब के यहाँ पत्र भी लिखा गया है कि चित्रकूट धर्म नगरी है, यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है, जिस तरह से सरकार की मंशा है कि तमाम रेलवे स्टेशनों को मॉडुलर रेलवे स्टेशन बनाने की, तो चित्रकूट धर्म नगरी में भी चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन को भी हम लोगों ने मांग कर रखी है कि मॉडुलर रेलवे स्टेशन बनाया जाए, ताकि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु और बहुत दूर दूर से लोग तीर्थयात्री आते हैं तो उनको लगे जब स्टेशन रेलवे स्टेशन में ही आवें तब से उन्हें लग जाए कि हाँ हम चित्रकूट धर्म नगरी पर आए हुए हैं। हमारी मांगे ट्रेन बढ़ाने के लिए हमेशा चल रही हैं, रेल मंत्रालय से बाई पत्र के द्वारा हमेशा भेजी जा रही हैं। मैं चाहता हूँ कि व्यापारियों के लिए सुबह चित्रकूट धाम से 5 बजे कानपुर के लिए इंटरसिटी होनी चाहिए और वापसी में भी वो इंटरसिटी होनी चाहिए, जिससे व्यापार बढ़ेगा और लोगों को आने जाने में सहूलियत होगी। और यहाँ से लेके आपका चित्रकूट, अतर्रा, बांदा, भरुआ, सुमेरपुर, हमीरपुर तक के लोगों का व्यापार बढ़ेगा और हजारों गांवों का भी व्यापार बढ़ेगा। यहाँ पे तो मैं 1 घंटे से बैठा हूँ। कौन सी गाड़ी के इंतजार में? झांसी पैसेंजर का टाइमिंग 1:30। गाड़ी बहुत लेट, अक्सर लेट आती है जी। बिल्कुल बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। इलाहाबाद जाने के लिए भी गाड़ियाँ बढ़नी चाहिए, कानपुर की ओर जाने के लिए भी गाड़ियाँ बढ़नी चाहिए, कि बहुत सारी असुविधाएं यात्रियों को हो रही। मैं तो जब जब आया, हमें तो मान के चलिए कि ऑलरेडी कम से कम 500 आदमी तो ऑलरेडी रहते ही है। गाड़ी को हमेशा आना चाहिए, रोज़ जाना चाहिए, इसलिए कि जाने में 2 दिन का इंतजार करना पड़ता है और उधर से भी अगर लौटना है तो फिर दूसरी गाड़ी में जाना पड़ता है, तो इधर आने के लिए फिर दिक्कत होती, फिर दूसरी गाड़ी लड़का बच्चा लिवाएँ तो बताओ कैसे कह जाए, परेशानी होती। दुर्ग गाड़ी को हमेशा कीजिए बस, और हमें बस यही गाड़ी की ज़्यादा जरूरत है। कि जो भी मांगे होंगी उनको हम लोग मिलकर के पूरा करेंगे। अभी तो मांगे उनकी शुरू हुई है, अभी मेरे पास तक मांगे नहीं आई, आपके द्वारा जानकारी हो रही है। जो भी मांगे होंगे उनको हम लोग पूरा करेंगे। मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आज जो मांगे आप बता रही हैं कि कोई ट्रेन कानपुर से एक ट्रेन हमारी यहाँ शटल चल रही है, इंटरसिटी एक ट्रेन चल रही है, उसका समय परिवर्तन का मुझे जानकारी है कि उसके समय परिवर्तन की मांग थी, उसको समय परिवर्तन हो जाना चाहिए। कोशिश करते हम लोग समय परिवर्तन हो जाए, या फिर नई ट्रेन चलाने की बात होगी तो हम लोग उसको मिलकर के प्रयास करेंगे कहाँ से कौन नई ट्रेन चल रही है, क्योंकि मॉर्निंग में कोई भी चित्रकूट से कोई ट्रेन नहीं है कहीं जाने के लिए। हम मॉर्निंग में कोई ट्रेन यहाँ से नहीं है, उसको कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग में कोई ट्रेन यहाँ से हो जाए। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बने।